أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका अपना होस्ट, आपका दोस्त, आपका एंटरटेनर अदनान खान। और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल वीलॉग लेकर आप लोगों के खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं TFL, बहुत अच्छा स्कोरिंग सिस्टम है, मैं वहां आज आया हूं वीलॉग कैप्चर करने के लिए। डेफिनेटली आज का ये हमारा वीडियो आप बहुत ज़्यादा लाइक करने वाले हैं, आइए मेरे साथ। हम आप यहाँ पर चलेंगे आज के यहाँ के जो हमारे TFL स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, बहुत ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल जनाब मिस्टर नवेद साहब की तरफ, तो आइए मेरे साथ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत ही गहराई से मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि माशाल्लाह से आपने इतनी जबरदस्त यहाँ पर मैनेजमेंट के साथ मिलकर और सपोर्टिव आपका बहुत कैरेक्टर मैंने यहाँ पर देखा और मैंने बच्चों को माशाल्लाह बहुत ज्यादा चार्ज देखा। तो सर मुझे बताइए, एजुकेशन पे आप माशाल्लाह से डे नाइट वर्किंग करते हैं और क्या करते हैं, मतलब ऐसा जिसके जरिए से बच्चों को ना सिर्फ बल्कि आला तालीम मिलती है बल्कि साथ ही साथ उसके आला तरबियत भी हासिल हो पा रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि तालीम अगर हो और तरबियत ना हो तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो उस तरबियत के लिए हमारे यहाँ गायबगा मोटिवेशनल पर्सन आते रहते हैं जो कि बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि भाई सिर्फ तालीम ही नहीं होती, इसके साथ तरबियत भी है, बहुत अहम है। तो उसको आप देखिएगा, हमारी अब जो वीडियो बन रही है इसमें आपको सेमिनार भी होते हुए दिखाएंगे। बिल्कुल, हमने अपने व्यूवर्स को माशाल्लाह दिखाया है खासी हद तक इसको, जो ओवरऑल जो व्यू था जी। और मैं चाहूँगा सर आप इस पर तफसीलन थोड़ी सी ब्रीफिंग कीजिए कि किस तरह से आप बच्चों की मोटिवेशन के लिए कौन कौन सी ऐसी खास एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप स्कूल में अपने रखते हैं वीकली या मंथली बेसिस पे, जिसके ज़रिए से बच्चों हमारे वीकली बेस पर होता है, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है सिखाया जाता है कि मोटिवेट किया जाता है कि पंक्चुअलिटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो पंक्चुअल हों, अपनी स्टडी के साथ पंक्चुअल होंगे तो बिल्कुल सक्सेस कहीं भी नहीं है। इसके अलावा ये है कि दूसरा आजकल जो सिस्टम चल रहा है ना कि बच्चे अपने बड़ों की कोई इज्जत नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो हमारे यहाँ से नहीं है। हमारे यहाँ पेरेंट्स आके इस बात के लिए हम लोग बहुत शाबाशी देते हैं, सही ये आपने बहुत कुछ ऐसा बच्चों में मैजिक किया हुआ, जादू किया हुआ कि जो बात पहले ये हमारी सुनते नहीं थे और बेहतर अंदाज में सुनते हैं। यानी कि सर नवीद आपके कहने का मकसद ये है कि शरारती जो बच्चा है वो माशाल्लाह आपके स्कूल का जब हिस्सा बनता है तो खासा सुधर जाता है और बहुत ज़्यादा इनको मोटिवेशन किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द इस्लामाइजेशन। इस्लामाइजेशन के थ्रू किस तरह हमारा इस्लाम जो है हमें क्या क्या हिदायत देता है, हम किस तरह अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, बड़ों की करें, टीचर्स की करें, छोटों के साथ किस तरह क्या भैया रखते हैं। ज़बरदस्त। तो सर आपने मतलब मैंने देखा यहाँ पर शुरू से अब तक कि आप लोग ना सिर्फ आला तालीम और तरबियत दे रहे हैं बल्कि उसके साथ ही साथ आप लोग 20 और 25 रुपये योमिया में जो है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये जो सबसे बड़ा कार्य खैर जो है ना, जो अल्लाह पाक भी जो कहते हैं वो है इल्म का देना, इल्म से ही शऊर आता है। हमारे से बहुत बाद में आज़ाद होने वाले ममालिक हैं जैसे चाइना है, सही ना, बहुत बड़ी मिसाल है किस तरह के लोग थे वो, बिल्कुल ही आज दुनिया में सबसे टॉप पर है। तो उन्होंने सबसे पहले सिर्फ तालीम को बनाया, प्रमोट किया, तालीम को बेस बनाया, उसकी बेस पर जो है ना वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो ये हमारा जो प्रोफेशन है स्कूलिंग का, ये भी बस लूट मार के ज़रिया है, सही है ना, लूट मार के ज़रिया बना हुआ है। अब यकीन करें यहाँ पर बेहतरीन किस्म के यही बच्चे जो कि दूसरे स्कूलों से निकाले हुए होते हैं कि फीसस नहीं पे कर रहे नाम कट काट नहीं पर, वही बच्चे आके यहाँ पर एडमिट होते हैं, उनके पेरेंट्स कराते हैं, तो उनके रिजल्ट ऐसे फिर मैट्रिक के शाइनिंग होते हैं। अब ये हमारा अगर फीस जो हमारी जो आप ये दिखाएंगे व्यूअर्स को कि उसमें अगर एवरेज लगाया जाए तो 20 रुपीज़ से 25
डॉक्टर्स पर डे पर सही, और उनको तमाम फैसिलिटीज हैं। कहेंगे कि ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में 2020 में बहुत बड़ा डिज़ास्टर आया था और करोना वायरस COVID-19 जब उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था बाकायदगी के साथ, और अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी वबा थी जिसने बहुत ज़्यादा जिंदगानी को महफूज करके रख दिया था। ज़ाहिर उसमें एजुकेशन सेक्टर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इससे जो इफ़ेक्ट हुआ था। तो 2020 के बाद आपके स्कूल में नए कितने दाखिले हुए, और आपने उस डिज़ास्टर के बाद क्या ऐसा खुसूसी पैकेज लॉन्च किया जिसके तवस्सु से अवामुल नास को फ़ायदा पहुँचा? बिल्कुल, बहुत बड़ा थी वो। बहरहाल ये है कि उसके बाद माशाल्लाह, क्योंकि जो स्कूल्स बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, तो वो पेरेंट्स जो बच्चों को अपने तालीम को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, फिर हमारे इतला हमारे एडवर्टीजमेंट चली तो उससे उनको पता लगा, वो लोग आए। और बहरहाल पहले तो थोड़ा सा ये फीसेस पर परेशान हुए कि ये हाउ कैन, कैसे आप 600 रुपीज़ में या 700 रुपीज़ में आप किस तरह आप अफोर्ड लेते हैं, आपका कोई बैकअप है, आपको कोई फंडिंग करता है? तो उनको यही जवाब होता था कि मुझे नहीं पता, बहरहाल फंडिंग एंडिंग तो कोई नहीं करता, लेकिन बस ये अल्लाह पाक की फंडिंग है। हाँ, उधर से इस तरह बैकअप हो जाता है कि मैं सब चीज़ें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसको मेनटेन कर लेता हूँ। तो बहुत ज़्यादा हमें तो करोना के बाद एडमिशन्स माशाल्लाह से मिले, और वो उसी स्टाइल के एडमिशन्स थे कि बहुत हाई पैकेज वाले स्कूल्स के बच्चे एडमिट हुए। ख़ास इंतज़ाम नहीं होता, हमने माशाल्लाह से चिलर लगाए हुए, सही आप क्लासेस रूम्स को सर्वे करें आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल सर, मैं देखता बार था माशाल्लाह, वही मैं कह रहा हूँ ना, स्टार्टिंग से हमारे व्यूवर्स भी इंशाल्लाह भी इस पैकेज के अंदर देख रहे होंगे कि बहुत अच्छी मैनेजमेंट माशाल्लाह से सर आपको। बैंकों की तरह कोई इसमें हमारे पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है। सही, इजाफी चार्जेस 600 रुपये फीस ले ली या 700 रुपये, उसके बाद बीच में पैसे मंगाते रहे। तो जो आपने सवाल किया था कि इसमें क्या पैकेज है, तो पैकेज यही है कि हमारे यहाँ कोई एडमिशन फीस नहीं है, ना स्टेशनरी यानी बुक्स एंड कॉपीज वगैरह इतनी महंगी है, वो भी फ्री है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, वो भी फ्री है। ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पेरेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा अखराजात हो जाते हैं इसी चक्कर में। हाँ, ये कोई ऐसी बात मैं नहीं कर रहा कि अपने आपको स्कूल को मोटिवेट करने के लिए मैं झूठ का सहारा लूँ, ये हकीकत है, ये 100% जो है ट्रू है, ऐसा करते हैं। बस इसमें यह है कि अपनी दिली ख्वाहिश भी पूरी होती, दिल खुश होता। तो सर अभी ये बताइए कि एयरली आप लोग के कौन से ऐसे एक्साइटिंग इवेंट्स होते हैं, या कोई ऐसी खास कोई मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, या कोई ऐसे कोई शोज़ होते हैं एनुअली कि जिसमें बच्चे आपको बहुत ज़्यादा मुतारिक दिखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं? और यकीनन माशाल्लाह बीइंग प्रिंसिपल आप बहुत ज़्यादा खुशनुदी महसूस करते होंगे कि माशाल्लाह आपकी जो सारा साल की मेहनत है वो उनकी एनर्जी के ज़रिए से आपके सामने जो है पोर्ट्रे हो पाती है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है क्योंकि अपनी समान जो कंप्यूटर होता है, तो मैंने मतलब जो लैब बनाई हुई है उसमें यह कि मैं अपने नर्सरी तक के बच्चे को बेचता हूँ। अच्छा, सही। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी एक्टिविटी जो है बच्चों में मकबूल भी है और उससे खुश होते हैं, वो है लैब। लैब, अच्छा। और वो रोज़ की बुनियाद पर होती है, और उसमें यह है कि बच्चों की माशाल्लाह से पहले हम ये नहीं है कि आप उस पर गेम्स खेल लो या दूसरे कार्टून शार्टून कुछ भी नहीं, उस पर वो माशाल्लाह टाइपिंग करते हैं। अच्छा जी, तो टाइपिंग करते हैं और वो फिर उनके पेरेंट्स को उनकी टाइपिंग भेजी जाती है, तो खुद परेशान होते हैं यार ये क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जो एनुअल होता है रिजल्ट डे वगैरह, उस पर भी प्रोग्रामिंग होती है, और उसमें माशाल्लाह से बड़े बच्चे चार्ज हो गए बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि रिजल्ट का मसला होता है तो हर एक का ये होता है, डेंस एनवायरनमेंट भी होता है। सो वेलकम बैक व्यूअर्स, आई होप सो कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और जैसे हम लोग यहाँ मौजूद हैं TFL स्कूल के अंदर, और बहुत अच्छा यहाँ पर स्कूलिंग का सारा सिनेरियो चल रहा है, हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी गर्ल मौजूद हैं, आइए इनसे इंट्रोडक्शन करते हैं ये कैसा फील कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो आप क्या बताना चाहेंगे, आपके स्कूल की मैनेजमेंट कितने आपके साथ कोऑपरेट करती है और कैसी आपकी स्कूलिंग चल रही है? माशाल्लाह हमारी स्कूल बहुत अच्छी है, और टाइम टू टाइम इसके अंदर बहुत
आप कितने साल से स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे? मैं नर्सरी से पढ़ो। माशाल्लाह, ऑलमोस्ट कितने इयर्स हो चुके हैं? 15-16 तो हो गए। यहाँ की सबसे सीनियर आप ही हैं यहाँ पे स्टूडेंट है। जबरदस्त। तो आपका नाम क्या है? कश्माला। कश्माला, फ्यूचर प्लान क्या है आपके TFL से? जब आप यहाँ से इंशाल्लाह सक्सेसफुली अपना स्टडी कंप्लीट करके मूव करोगे तो क्या मुस्तकबिल के आपने ख्वाब सजाए हैं? मैंने मेडिकल लिया है, मेरा आगे फ्यूचर प्लान है कि मैं डॉक्टर बनूं इंशाल्लाह। अभी तक तो मेरा गेम प्लानिंग है और आगे जो बेहतर। बेशक बेशक, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के पहले तो हालात बेहतर। थैंक यू सो मच, आप बैठ सकते हैं। आप कैसी हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है? समीना। समीन, अच्छा समीन की बताइए, कितने साल से आप यहाँ पर स्टडी कर रही है? चार साल हो गए। तो चार साल में कैसा पाया आपने अपने स्कूल की मैनेजमेंट को? तमाम आपके रिस्पेक्टेबल टीचर्स हैं और प्रिंसिपल का आपके साथ कॉपरेट कितना ज्यादा है, थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे तमाम व्यूअर्स से। अच्छा, जब आपका जी चाहता है कि चलें आज हम ऑफ कर लेते हैं तो कंफर्ट मिलता है? मतलब हल्की फुल्की अगर मोश आ जाए तो फिर आप स्कूल आ जाए। सही सही। तो फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी समीन, क्या मजीद बड़ों के बनने की ख्वाहिश है आपकी? मैंने तो आर्मी में करना था लेकिन अभी तो कॉमर्स होने का नाम है तो फिर अभी शानदार फर्स्ट ईयर में कॉमर्स है। और बहुत सीनियर यहाँ की टीचर मौजूद हैं तो आइए इनसे भी इंटरेक्शन करते हैं और इनसे भी थोड़ा सा फीडबैक जानते हैं कि ये यहाँ पर इनके साथ जो बच्चे हैं वो कितना कोऑपरेट करते हैं। जाहिर है बच्चे तो थोड़े बहुत शरारती भी होते हैं और चाहे वो जिस एज के भी हों, नर्सरी के हों चाहे मैट्रिक के हों। सो मैम, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? पहले से हैं माशाल्लाह। और कितने अरसे दराज से आप वाबस्ता हैं? दस साल हो चुके हैं माशाल्लाह से। और ओवरऑल आप कितने अरसे से जो है वो टीचर की हैसियत से खास अंजाम दे रही हैं? दस साल हो चुके हैं तो माशाल्लाह 10 साल में अपने बच्चों को यहाँ पे कैसा पाया? जाते हैं और सर का उनके साथ हर बच्चे के साथ होता है और माशाल्लाह तो नरमी में तो बहुत नरम जाते हैं। थोड़ा सा कभी होता है तो कल के मगर कभी टीचर्स के बच्चों के साथ यानी कि तमाम बच्चों के तमाम टीचर्स के दस्ते शब्द करते हैं माशाल्लाह। छोटे बच्चे से तो बहुत ही प्यार करते हैं। आप कभी आके देखते हैं मैं कहती हूँ सर क्या क्या चीज़ें छोटे बच्चे अपने ऊपर लेकर आते हैं और इस तरह से देते हैं कि कोई लगभग आ जाता है। हाँ, अच्छा आपके बताइए रमजान कैसा आपका गुजर रहा है? तो आपके क्या मुस्तकबिल? 400 and 500 ऑलमोस्ट तकरीबन माशाल्लाह स्ट्रेंथ हो चुकी है और डेफिनेटली डे बाय डे मजीद इसमें जो है इजाफा हो रहा है और ये आप लोग। अरे क्या बात है। एक बात बताना तो यार मैं भूल गया कि ये हमारे पास जो है ना कम्प्लीटली सिस्टम है कैमराज का। अच्छा, हर कैमरा हर क्लासरूम में कैमराज हैं, बाहर कैमराज हैं, तो जिसकी वजह से हम जो है ना बिल्कुल फुल हम टीचर्स भी और बच्चे भी फुल कमांडिंग पोजीशन में रहते हैं। जरा सा भी 19-20 होता है कि टीचर तवज्जो नहीं दे रहे, बच्चे तवज्जो नहीं दे रहे तो फौरन उसका ऑडियो सिस्टम भी है जो माइक के जरिए उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है ये क्या हो रहा है। सही, यानी हर किस्म की रफ एक्टिविटी पे आपकी खासी तवज्जो दी जा रही है।
सर नवीद, मैं समझता हूँ कि इस वीलॉग के थ्रू बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि आया आपकी इस स्कूल की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। लेट्स सपोज अगर कोई वाटर बम कराची से आता है या कोई सराबपुर कराची से आता है या गुलशन इकबाल कराची से आता है, तो आया वो किस तरह का रूट इख्तियार करेगा तो देन उसके बाद आपके स्कूल तक पहुँच सकेगा। वैसे भी हमारे पास बहुत ज़्यादा दूर एरियाज के बच्चे मौजूद हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट की भी सहूलत मौजूद है। अच्छा। वैसे ये तमाम अगर फेडरल बी एरिया के ब्लॉक से लोग आना चाहते हैं तो ये हमारा ब्लॉक 15 है जिसका लोकेशन एड्रेस जो L10 है, L10 ब्लॉक 15। ये बिल्कुल जो है कस्टम ग्राउंड बहुत फेम है और एक UBL ग्राउंड है और एक मुफ्ती मनूबुर रहमान साहब का मदरसा है। अच्छा। बस यहीं पर ही आप आके किसी से भी लोकेशन पूछेंगे कि L10 ब्लॉक 15 TFL फाउंडेशन, तो उनको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरा अगर ये गुलशन से या सराबपुर वाली साइड से इंचोली साइड से लोग आना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि ये बिल्कुल जो गुलशन में इम्तियाज है उसके साथ ही एक रियाज आटोज का स्टॉप है तो उधर ही वहाँ UBL ग्राउंड है, UBL ground के साथ आ जाएं और ये एड्रेस L10 ब्लॉक 15 बिल्कुल ईजिली बहुत आसान से लोकेशन है। सर नवीद, मैं समझता हूँ माशाल्लाह से मुझे तो आपके स्कूल में विजिट करके बहुत खुशी महसूस हुई। यकीनन आपने भी हमारे साथ आज का ये दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और हमारे व्यूवर्स भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करे होंगे। एक दफ़ा फिर मैं तहे दिल से आपका मशहूर हूँ कि आपने अपने बहुत ही प्रेशियस टाइम में से आज हमें टाइम दिया। थैंक यू। बड़ी नाइस टू मीट यू। सो व्यूवर्स, आई होप सो कि आज का हमारा ये एपिसोड आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो अपना फीडबैक अपना ज़रूर देना है। और द फ्रंट लाइनर्स स्कूल में हम लोग मौजूद थे और आपने बच्चों का यहाँ पर फीडबैक जाना कि वो यहाँ की स्कूलिंग को कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ आई होप सो व्यूअर्स, आज का हमारा ये वीलॉग आपने डेफिनेटली एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर देना है और अपना फीडबैक हमें देना है। द फ्रंट लाइनर्स आज हमारे साथ यहाँ पर हम स्कूल में मौजूद थे और बच्चों के अंदर खासी हमें एनर्जी और मोटिवेशन देखने को मिली। और अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाना तो आसानी तौर पर करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर सर नवीद के जरिए से आप लोगों को मैंने यहाँ की लोकेशन भी समझाई, आपको उस लोकेशन को फॉलो करते हुए यहाँ स्कूल में आ सकते हैं और योमिया यानी कि मंथली सिर्फ और सिर्फ 20-25 रुपए में अपने बच्चों को ना सिर्फ आला तालीम बल्कि उसके साथ ही साथ तरबियत भी दिलवा सकते हैं। तो इसी के साथ आपका अपना मेज़बान अदनान खान आपसे बाकायदा इजाज़त चाहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इख्तिताम में जाते जाते अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।